देखते रहिए एन भारत, मेरे भारत के लिए। अब आप इस बात को मानती हैं कि आपका बेटा जो है आपके बस में नहीं है और नशा करता है? नशा करता है। राजा स्मैक सब खा लेता है? नहीं, वो नशा स्मैक निश्चित रूप से, देखिए स्मैकर का सेंसलेस हो जाता है और वो कब किसके साथ क्या कर देगा, उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो कर देता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर तो लगाम लगनी चाहिए, और ऐसे में ये महिला थाने के पीछे एक बड़ी जमात है इन लोगों की जो लगातार इस माइक लेते हैं और वहीं आसपास का ये। बिहार में नीतीश सरकार ने शराब भले ही बंद कर दी हो, लेकिन नशे के अड्डों को बंद करने में सरकार कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें बिहार के सिवान की है, जहाँ पर डीडी न्यूज़ और न्यूज़ 24 में काम करने वाले पत्रकार आकाश कुमार के साथ स्मैक के नशे में कुछ अपराधियों ने गलत व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, स्मैक के नशे में ये आरोपी उनके पिता के साथ गाली गलौज भी करते नजर आए और उनके पैसे भी छीनने की कोशिश की। जब आकाश कुमार बीच बचाव में पहुंचे तो स्मैक के नशे में इन्होंने पत्रकार आकाश कुमार को भी धमकी दे डाली और कहा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। बोलिए, मार दोगे इसको? बोले फायदा नुकसान है सबको, बोले गोली मारने के लिए मार दो सबको। मत बनाओ मेरे भाई, कोई फायदा नहीं बना के नहीं रहती हैं। उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्माइक कहाँ से आते हैं, कैसे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जान माल को खतरा है, कभी भी घटना हो सकती है, वही मेरा आने जाने का रास्ता है, मेरे परिवार के सभी लोग आते जाते हैं, तो मुझे सुरक्षा दिया जाए। सिवान में फैले नशाखोरी के अड्डों को बंद कराने के लिए अब सिवान पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर सवाल हमले का नहीं है, सवाल नशेबाजी का है और नशे में डूबा सिवान का युवा सिवान को किस ओर ले जा रहा है, ये जिले के आला अधिकारियों, नेताओं और समाज सेवियों को भी देखने की ज़रूरत है। पत्रकार आकाश कुमार ने अपनी तहरीर दे दी है, लेकिन लगातार उन्हें अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि आरोपी अपराधी किस्म के हैं, नशा करते हैं और ये नशे का अड्डा बड़े स्तर पर सिवान में चलाया भी जा रहा है। ऐसे में इंतजार उस दिन का है जब इस पूरे मामले में सिवान पुलिस की तरफ से एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिवान से टीम एन भारत। बोलिए मार दूंगा।